नव वर्ष 2010 की पूर्व संध्या पर बालको नगर के विभिन्न स्थानों पर रंगारंग कार्यक्रम हुए। बड़ी संख्या में बालको नगर वासियों ने आयोजन में शिरकत की। नौ वर्ष की पूर्व संध्या पर बालको नगर के एक्सपर्ट क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बालको अधिकारियों और उनके परिवारजनों ने शिरकत की। मध्य रात्रि ठीक 12 बजे बालको के मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री बीरू प्रसाद मिश्रा ने केक काटा। इस मौके पर बालको के अनेक अधिकारी मौजूद थे। श्री मिश्रा ने बालको परिवार के सदस्यों को नौ वर्ष की शुभकामनाएं दी। कुछ तेरे बस में छू ना कुछ तेरे।
नौ वर्ष के स्वागत में बालको क्लब में भी एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम हुए। लोगों ने केक काटकर खुशियां मनाई। नौ वर्ष पर बालको महिला मंडल में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बालको की प्रथम महिला श्रीमती मुनीषा गुप्ता थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में बालको महिला मंडल के पदाधिकारी और सदस्याएं मौजूद थी। श्रीमती गुप्ता और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर श्रीमती मनीषा गुप्ता ने बालको महिला मंडल के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मंडल सामुदायिक कल्याण कार्यों का दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद कर सकता है। This shows the spirit of women here, and it's important that this spirit channelized ki jaye in the right channel, which is what I think any committee wants to do. कार्यक्रम में महिला मंडल के पदाधिकारियों ने मंडल की ओर से संचालित विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्रीमती मनीषा गुप्ता और श्री गुंजन गुप्ता ने बालको महिला मंडल में नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उद्घाटन किया। नौ वर्ष के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में बालको महिला मंडल के सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नौ वर्ष के स्वागत में श्रीमती मनीषा गुप्ता ने केक काटा। कार्यक्रम में श्रीमती तापोशी पाल को बेस्ट ड्रेस्ड लेडी का खिताब दिया गया। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने बालको महिला मंडल के कार्यों की सराहना की। मैं आपको संबोधित करने का तो मैंने कहा था कि जब जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे बहुत खुशी की अनुभूति होती है और प्रसन्नता होती है। आप लोग
कॉलेज का स्थापना दिवस 5 नवंबर को। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष आप लोग एक और स्तर पर ऑपरेट कर पाएं। जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जिस लेवल पे आप लोग आज तक ऑपरेट करते रहे हैं लेडीज क्लब, उससे अपने स्तर को और ऊपर उठाएं। बालकों प्रबंधन से जो भी सहयोग मुमकिन होगा वो हम लोग आपको देंगे। कि बालकों की CSR कार्यक्रम के साथ कहीं ना कहीं आप जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर कुछ आवश्यकता है बच्चे हैं या बिलो का पॉवर्टी लाइन कुछ लोग हैं, वहाँ आप लोग मदद करना चाहती हैं, समय समय पर कर रही हैं। तो इसमें अगर आप कुछ जुड़ना चाहती हैं तो वो एक मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकती हैं, और जितना आप अपना बढ़ाना चाहेंगी उतना बहुत सामान होती है।